वेलकम क्लास सिक्स फॉर साइंस ऑनलाइन क्लास। ये मैं आपको आपका पहला चैप्टर बायो का, बायोलॉजी का दिखाई देता हूँ। प्लांट लाइफ चैप्टर नंबर वन है। तो क्लास फिफ्थ तक तो ये सब मिला जुला था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं, ये सब्जेक्ट ब्रांचेस की अलग अलग होती जाएंगी। जैसे अब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, आप पढ़ेंगे फिजिक्स, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी आपकी साइंस तीन सब्जेक्ट्स में। बायोलॉजी में जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी में आपको दो चीज़ों के बारे में एजुकेशन हासिल करनी है, एक तो प्लांट्स के बारे में और दूसरा एनिमल के बारे में। प्लांट्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे चीज़ें, तो वो उसको कवर करते हैं बॉटनी के नाम से, और एनिमल्स की जितनी स्टडीज़ हैं वो जूलॉजी के नाम से कवर करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी में पहला, वो बॉटनी से कंसर्न है, बॉटनी से रिलेटेड है। प्लांट लाइफ, प्लांट्स के बारे में क्लास फिफ्थ में आपने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें। ये पढ़ा कि प्लांट किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स में सीड्स का क्या रोल है, और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपको याद होगा। सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी रूट्स से नया प्लांट्स बनाया जा सकता है, उनके स्टेम से नया प्लांट्स बनाया जा सकता है, उनकी लीव से नया प्लांट बनाया जा सकता है, और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनसे नया प्लांट बनता है। तो सीड्स हो गए, लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, और स्पोर्ट्स, ये रिप्रोड्यूस करने के उनके अपने तरीके हैं। प्लांट लाइफ में इस पहले चैप्टर में आप देखेंगे कि प्लांट्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, दो सिस्टम्स हैं इसमें। एक रूट सिस्टम कहलाता है और एक शूट सिस्टम कहलाता है। वो चीज़ें जो सॉइल के अंदर रहती हैं रूट सिस्टम है, और जो सॉइल के बाहर ज़मीन के ऊपर रहता है वो शूट सिस्टम है। ज़मीन के अंदर रहने वाली रूट्स और ज़मीन के बाहर रहने वाले शूट्स में फ़र्क ये है कि शूट्स सिस्टम में कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कभी भी किसी प्लांट को आप देखिए, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, उन ब्रांचेस पे आपको तरह तरह की अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की लीव्स दिखाई देंगी, आपको उसमें फ्लावर्स दिखाई देंगे, आपको उसमें फ्रूट्स दिखाई देंगे। इतनी चीज़ें ये शूट सिस्टम से या स्टेम पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। रूट्स का और शूट्स के अपने अपने काम हैं। रूट का काम है प्लांट को मजबूती से सॉइल में रोके रखना, यानी एक तरीके से बहुत बढ़िया पकड़ देती हैं वो पूरे प्लांट को, सहारा देती हैं पूरे प्लांट को, और उस तरह से प्लांट जो है वो ज़मीन पर खड़ा रहता है। और शूट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलेंगे। ये रूट्स के काम अगर देखें आप, तो एक तो प्लांट को फर्म यानी मजबूती से खड़ा रखती हैं, दूसरा काम है उनका ज़मीन से, सॉइल से पानी, वाटर और मिनरल्स को जज्ब करना, एब्जॉर्ब करना, और इसकी प्लांट को ज़रूरत रहती है, शूट सिस्टम में पहुंचाती हैं। रूट्स इनको एब्जॉर्ब करके शूट सिस्टम को दे देती हैं, शूट सिस्टम से फिर ये लीव्स में पहुंचता है वाटर और मिनरल्स, और फिर वो इससे अपना फूड तैयार करती हैं, और उस फूड तैयार करने के का नाम आपको शायद याद हो, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जब लीव्स अपना खाना तैयार करती हैं तो उनको एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करना रहता है, और एटमॉस्फेयर से सनलाइट लेती हैं, और मिनरल्स और वाटर रूट्स के ज़रिए उन तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें शूट सिस्टम का भी रोल शुरू हो जाता है,
रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया गया, जितना भी सॉइल के ज़रिए एब्जॉर्ब किया गया जितना भी मिनरल्स और वाटर है, उसको कंडक्ट करता है शूट ऊपर की तरफ आखिरी सिरे तक, जहाँ तक प्लांट की लंबाई है वहाँ तक उसको कंडक्ट करता है, पहुँचाता है, और फिर ये तमाम लीव्स तक पहुँचता है। ये शूट का काम है। और कंडक्शन में ये भी शामिल है कि लीव्स जो खाना बनाएं वो यही स्टेम कंडक्ट करें नीचे की तरफ रूट्स तक, क्योंकि रूट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती, तो खाना उनको भी चाहिए, और पूरे प्लांट को इस तरह से कंडक्शन में स्टेम या शूट सिस्टम भी मदद करता है। तो इस आज के लेसन में या आज के लेक्चर में हम जानेंगे लीव्स के बारे में। पहले तो मेरे पास एक दो लीव्स हैं, मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ये लीव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वाजे दिखाई दे रही हैं। एक तो ये ज़रा थिक स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पिटियोल। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे और उसका पेज नंबर 2 देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक लीव बनी है और उसमें एक स्टॉक है जो जो इसको प्लांट से जुड़े रखता है, पिटियोल कहलाता है। इसके अलावा ये जो बड़ा सा हिस्सा मेरे हाथ में है, ये देख रहे हैं आप, ये लेमिना कहलाता है, लीव ब्लेड कहलाता है, और पिटियोल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है इस पूरी लीव में ऊपर तक। उसका नाम है मिड रिब, जो बीच है इसलिए उसका नाम है मिड रिब, और उससे कुछ और ब्रांचेस इस साइड में निकल रही हैं, उनको कहते हैं वेंस। और ये सब कंडक्शन के लिए होता है, लीफ को क्या क्या चाहिए वो कंडक्ट करती हैं ये वेंस, और लीफ में क्या बन रहा है यानी ग्लूकोज खाना बना रही हैं उसको ये कंडक्ट करती हैं नीचे की तरफ। और आप देखिए इसके सबसे ऊपर एक नवजात चीज दिखाई दे रही है, लीफ एपिक्स कहलाती है। तो हमारे लीफ के पार्ट हो गए, खासकर अगर आप देखें पिटियोल, पूरा लीफ ब्लेड या लेमिना पूरा, ये इतना हिस्सा, और बीच में ये मिडरिब है, ये इसकी एपिक्स है, लीफ एपिक्स, लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, और अंदर बहुत सारी आपको वेंस दिखाई दे रही है। और इसके दो सरफेस होते हैं, एक देखिए, एक तो ये बड़ा अच्छा हरा सा सरफेस दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे ये ज़रा हल्के रंग का है। तो ये ऊपर का हिस्सा है, डॉर्सल सरफेस कहलाता है, और ये वेंट्रल सरफेस कहलाता है जो ज़रा धीमे रंग का होता है। तमाम पत्तियों में इसी तरह होता है मामला। तो इस हिस्से पर बहुत सारे बारीक बारीक सुराख होते हैं, उनका नाम है स्टोमेटा। तो ये सुराख लीफ को इसलिए ज़रूरी होते हैं कि लीफ के जो अपने काम हैं, पहला काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, खाना बनाना, इसीलिए ये प्लांट का किचन कहलाती हैं। ये खाना बनाने के लिए लीव जो हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेती हैं, और कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कि जितने भी एनिमल रेस्पायर करते हैं तो सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसके अलावा चीज़ों के जलने से, बर्निंग, कम्बशन जिसको कहते हैं, कम्बशन से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये सब एटमॉस्फेयर में रहती है। तो देखिए नेचर ने एक बड़ी अच्छी साइकिल तैयार की है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ना हटाया जाए तो ये नुकसान करेगी, तो इसको हटाने के लिए नेचर ने एक बहुत अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, प्लांट्स को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक सिस्टम बना दिया है ताकि वो अपना खाना इससे बनाएं। तो वो ले लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इस स्टोमेटा के थ्रू, और सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोग्राम उनका होता, ये जितना फंक्शन है सनलाइट की मौजूदगी में होगा। तो दूसरा फैक्टर हो गया सनलाइट, तीसरा फैक्टर आप देख रहे हैं इनका रंग हरा है, तो इनके अंदर एक पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गई, स्टोमेटा के जरिए इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट और शूट सिस्टम ने मदद की सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुँचाने। ये सारी चीज़ें मिलकर फिर खाना तैयार करती हैं प्लांट का। ये सेल्फ सफिशिएंट हैं, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं और अपने प्लांट के सारे हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से जो लीव्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करती हैं प्लांट में। और दूसरी चीज़ देखिए आप, एक जैसे मैंने भी बताया कि ये पिटियोल है, तो ये पिटियोल है तो कुछ प्लांट्स में हमने देखा है, आप भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि जहाँ ये प्लांट स्टेम से या ब्रांच से जुड़ा रहता है तो वहाँ पर एक और आउटग्रोथ दिखाई देती है। देखिए ये आउटग्रोथ देखिए, ये सारी लीव्स में नहीं रहती। इस आउटग्रोथ का नाम है स्टिप्यूल, STIPULE, स्टिप्यूल, और ये पिटियोल से ही जुड़ा है और इसी पूरे हिस्से से बहुत सारी लीव्स जुड़ी हैं। तो लीव्स का फिर और इसके अलावा जो डिटेल चीज़ें हैं, यानी लीव्स की किस किस तरीके की कौन कौन सी लीव्स होती हैं, तो फंक्शंस में तो आपने देख लिया, तो फंक्शंस में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। पहला तो इम्पोर्टेंट फंक्शन इनका है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चर। फोटोसिंथेसिस फूड का ऐसा मैन्युफैक्चर जो लाइट की मौजूदगी में हो, और ये काम दिन में ही होता क्योंकि सूरज दिन में ही निकला होता है। तो फोटोसिंथेसिस दिन में होने वाला प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर द एनर्जी फॉर द प्लांट, और इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल की, इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती है वाटर और मिनरल्स की, और सनलाइट की बात तो हो ही गई, और एक एक्टिव करने वाला मटेरियल इनके पास है, वो पिगमेंट इनके पास है हरे रंग का, वो क्लोरोफिल है। इस तरह से ये अपना खाना बनाती हैं। सबसे पहला काम इनका इम्पोर्टेंट काम है फोटोसिंथेसिस। दूसरा इनका काम है इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन में, यानी जो रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स, तो इसमें कोई कहीं पर कोई कंट्रोलिंग, अंदर कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ना हो जाए प्लांट में, प्लांट सेल्स को नुकसान करेगी फिर वो, तो वाटर क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए लीव्स इस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर को रिलीज करती रहती है। और ये रिलीज करने में भी, जो मैंने अभी बताया था कि इनके वेंट्रल सरफेस पर बहुत सारे बारीक बारीक सुराख होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा इस एक्सेसिव क्वांटिटी वाटर की को रिलीज करती रहती है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इससे इसकी हिफाजत होती रहती है प्लांट की, बहुत ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर जमा नहीं होता, ये एक खास। और ये किचन फोटोसिंथेसिस तो हो ही गई, ये सब इम्पोर्टेंट काम है। अब आप ऐसा कीजिएगा, कॉपी बनाइएगा साइंस की, साइंस बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में पहला नंबर चैप्टर का डाल के, और आप एक अच्छी सी आपकी बुक में दी हुई है फिगर नंबर 1.2 लीव का, एक लीव की आप डायग्राम बनाइएगा, उसको लेबल कीजिएगा लीव एपिक्स लेमिना पिटियोल, और एक आप बना दीजिएगा छोटा सा स्ट्रक्चर स्टिप्यूल, और एक मिडरिप बनाइएगा पूरे, उसमें जो देख रहे हैं आप पूरे उसमें ऊपर से नीचे, और उसके साइड में बहुत सारी ब्रांचेस से निकली वेंस बनाइएगा, इतना कीजिएगा, उसके बाद दूसरे लेक्चर में मुलाकात निश्चय।